उधर 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क में 21 जून को होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 180 से अधिक देशों के लोग हिस्सा लेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लॉन में सुबह 8 से 9 बजे के बीच कार्यक्रम रहेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा साल 2014 में की गई थी। यहाँ पीएम मोदी इस योग सेशन को लीड करेंगे। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका मेरी मिलबेन भी शामिल रहेंगी। राष्ट्रगान जनगणमन और ओम जय जगदीश हरे के गायन की वजह से भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुई 38 वर्षीय मेरी लिनमेन ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है। उन्हें 23 जून को वाशिंगटन में रोनाल्ड रिगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के इतर पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा कई मायनों में अहम साबित होने वाली है। दरअसल इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अहम मुलाकात होगी। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे को लेकर लोगों में गजब का उत्साह और जोश देखा जा रहा है। भारतीय और अमेरिकी लोग पीएम मोदी की यात्रा को लेकर और उनके स्वागत के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। इस संबंध में USICF के महासचिव कहते हैं कि हम पीएम मोदी को ये कहकर आए थे कि हम पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रही हैं। इसी से समझ में आता है कि पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर अमेरिका में कितना उत्साह बना हुआ है। अमेरिकी दौरे पर जा रहे पीएम मोदी का 22 जून को व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात भी होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। वही 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी लंच रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का प्रमुख सीईओ पेशेवरों और अन्य लोगों के साथ बातचीत का कार्यक्रम भी रहेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।